हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल विद पूजा। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। फ्रेंड, मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी, जो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को मैं अपना तरीका बताऊँ। तो गाइस, मैंने ना कुंदरू को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब इसको हम कुंदरू बनाने से पहले इसको हम अब कट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। गाइस, कुंदरू को कट कर लेते हैं। अब दोनों साइड से हम इसका ये पोर्शन निकाल देंगे और इसको हम ऐसे लंबे में कट करेंगे और ऐसे ही सारे कुंदरू को हम कट कर लेंगे। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है और बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड, देखिए मैंने कुंदरू को कट कर लिया है। अब इसको चलिए हम फ्राई करते हैं। गाइस, मैंने फ्राई पैन रख दिया है सब्जी को फ्राई करने के लिए। अब हमारा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। आप जिस तेल में सब्जी खाते हो आप वो तेल डाल सकते हैं, पर इसकी जो सब्जी होती है ना, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब ये हीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, सरसों का ऑयल। फ्रेंड, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और थोड़ी सी मेथी, जीरे और मेथी का तड़का लगाएंगे। फ्रेंड, हमारा जीरा और मेथी हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। गाइस, हमारा मिर्चा भी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कुंदरू। फ्रेंड, देखिए मैंने कुंदरू को मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। फ्रेंड, देखिए कुंदरू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। और ये मैं कुंदरू की सूखी सब्जी बना रही हूँ गाइस, इसमें कोई भी मसाला वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। आप ऐसे मेरे तरीके से बना के देखिएगा, ये दाल चावल पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है कुंदरू की सब्जी। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे। फ्रेंड, देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है कुंदरू की, और बहुत ही देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसमें मैंने कोई भी मसाला और कुछ भी ऐड नहीं किया, हल्दी पाउडर तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है गाइस, फिर भी देखिए इसका कलर कितना यम्मी, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा जब दिखने में इतना सुंदर लग रहा है। तो गाइस, अब इसको हम बाउल में गैस ऑफ कर देते हैं और इसको बाउल में सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड, देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है बाउल में, और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, इसका कलर, बिना किसी मसाले के, किसी कोई भी मसाला मैंने इसमें यूज नहीं किया, फिर भी इसका कलर कितना अच्छा आया, और ये खाने में भी उतनी टेस्टी है। आप इसको पराठे के साथ और दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, खा सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। बाय बाय।